टर्की में दक्षिण पूर्व के दो शहरों में बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर घायल हो गए। इस इलाके में कुर्दिश मूल के लोग ज्यादा हैं और धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा में हुए धमाके और उसमें मारे गए लोगों को सुपुर्द खाक किया गया। क्वेटा सिविल हॉस्पिटल में सोमवार को हुए ब्लास्ट में 75 लोगों की मौत हो गई थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने जनता से नए संविधान को अपनाने की मांग की है। चान ओचा ने जनता से कहा कि रेफरेंडम के बाद अब हम लोगों को मिलकर हमारी समस्याओं को निपटाना चाहिए। आईएस के साथ जुड़े होने के शक में जर्मनी में 3 लोगों के घर और ऑफिस पर रेड डाली गई। पुलिस को खबर मिली थी कि कार्लशिल शहर में कुछ लोग आईएस से जुड़ने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, इसी के चलते रेड डाली गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सीरिया के हालातों में जल्द सुधार होता नहीं दिख रहा है। इदलिब शहर में बाजार और आसपास के इलाकों में बमबारी की गई, जिसमें एक महिला की मौत की खबर आ रही है। साथ ही कई और लोगों के मारे जाने का भी अंदेशा है। अमेरिका के केंटकी में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, जिस वजह से आसपास के इलाके में मौजूद लोगों को और स्कूल को खाली कराया गया। फायर फाइटर्स ने तुरंत मौके पर पहुंच हालात काबू में कर कोई अनहोनी होने से बचा लिया। ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए पेरू में कोकेन को आग के हवाले किया गया। पेरू के आयाकुचो प्रांत में पुलिस ने 136 किलो कोकेन और सामान छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 कुओं को नष्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि ड्रग की खेप ब्राजील और बोलीविया जाने वाली थी। इराक की राजधानी बगदाद में एक अस्पताल में आग लगने से 12 नवजात बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आग लगने के वक्त 21 बच्चे थे, जिनमें 9 को डॉक्टरों ने वक्त रहते बचा लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में 3 घंटे का वक्त लगा। आशंका जताई जा रही है कि ये एक आतंकी हमला था। 2 प्लेन में बम की खबर मिलने के बाद उन्हें ब्रसेल्स के ज़ेवेंटम एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है और सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है। लैंड होने के बाद यात्रियों को 10 मिनट तक प्लेन में रोका गया। अमेरिका की न्यूयॉर्क में उस वक्त सब हैरान रह गए जब एक शख्स ट्रंप टावर पर चढ़ गया। मौके पर लोगों के साथ साथ पुलिस भी पहुंच गई। शख्स ने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं चल पाया है।